नेक्स्ट स्पीकर माननीय वीर सिंह जी, माननीय संजय जी को आवश्यक काम है, वो जाना चाहते हैं, अगर आप सहमत हो तो उन्हें बोलेंगे। संजय जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से किए गए और परंपरा के अनुरूप सरकार की बातों को महामहिम राष्ट्रपति जी के श्रीमुख से कहलवाया जाता है, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है ये जानना बहुत जरूरी है माननीय। और हम बात शुरू करते हैं 12 नंबर का पॉइंट जो है, जिसमें यह कहा गया कि मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव 2014 में रखी गई। 2014 में भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई माननीय। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, चौधरी चरण सिंह जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। अरे सबको छोड़ दीजिए, क्या स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं? आप जब अपनी अपनी तारीफ करने लगते हैं तो अपने लोगों को भी भूल जाते हैं। कम से कम ये तो मानिए कि 7 साल उनका कार्यकाल रहा उसकी तारीफ कर देते आप, लेकिन व्यक्तित्व का संकट है जो आपने कहा, कैसे तारीफ करें, कैसे चर्चा करें। और नया भारत की बात कही गई मान्यवर, निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया, हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया, हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कहके 84% रोजगार घटा है, और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है, हमने देखा है नया भारत मानो। और प्रधानमंत्री जी जिस दिन प्रचंड बहुमत लेकर आए, हम सब ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दिया मान्यवर, और उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें बहुमत से चलती हैं लेकिन देश सर्वमत से चलता है। बहुत अच्छा लगा सुन के, मन प्रसन्न हो गया, लेकिन हमने देखा वो सर्वमत का दिश, हमने देखा किस तरह का वातावरण इस पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया, लोकसभा के अंदर बनाया गया, हमने देखा मान्यवर इस संविधान के तहत इस लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ है, यह लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है मान्यवर, और इस सर्वोच्च मंदिर में जय श्री राम का कोई नारा लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जय मां काली का नारा लगा रहा है, कोई राधे राधे का नारा लगा रहा है, आप इन नारों से खुश हो सकते हैं, ये लेकिन धर्म के प्रचार का अड्डा नहीं है, ये मुल्क के संविधान की रक्षा का अड्डा है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा का अड्डा है मान्यवर। जिस सपने को लेकर हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस सपने की रक्षा को करने का ये मंदिर है मान्यवर। यहां पर नारे लगा के हम एक दूसरे के ऊपर खुश हो सकते हैं, वंदे मातरम पे सवाल उठाते हैं, मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं, और कुछ लोग ऐसी टिप्पणी भी करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। मैं अन्ना जी के आंदोलन के मंच का संचालन कर रहा था मान्यवर, मेवात से एक मुस्लिम लड़की उस मंच के संचालन के दौरान कही कि उसने कहा कि मैं समर्थन देने आई हूं, भाषण देना चाहती हूं। भाषण जब उसने समाप्त किया उस मुस्लिम लड़की ने, तो उसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वो वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाए। इस तरह की सोच के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं जिस सुल्तानपुर के छोटे से शहर में काम करता था, वहां मेरे साथ शमशाद भाई काम करते थे, बहुत आपसे ज्यादा तेज भारत माता की जय वो लगा सकते हैं, वंदे मातरम लगा सकते हैं। आप आज इस नए भारत में कर क्या रहे हैं? झारखंड में क्या हुआ मान्यवर? चोरी के आरोप में एक आदमी को पीट पीट के मार दिया गया, इसलिए कि वो मुसलमान था, एक वर्ग विशेष से था,
क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? ये विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्ला को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना, उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मान्यवर, पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी, तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए, तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाहू अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है, तो माफ कीजिएगा, आपका धर्म, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हम आप भारत माता की जय लगाते हैं, आप भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों में भेद करती है? दलित बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, मुसलमान बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, पिछड़े बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, सिख बच्चे को अलग निगाह से देखेगी? अरे माँ तो वो माँ होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए, तब इस देश का विकास होगा। चमन में एक तलाते रंगे बू से बात बनती है, चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस बदलिए, इस धारणा को बदलिए, इस विचारधारा को बदलिए। आपने संघीय ढांचे का उल्लेख किया, मान्यवर, देश के संघीय ढांचे को आप कैसे मजबूत कर रहे हैं, ये हमने दिल्ली में बहुत अनुभव किया है। आपने एक ऐसी सरकार को 4.5 साल तक चलने नहीं दिया, जिसके इतिहास को अगर आप समझेंगे तो जरूर थोड़ी शर्मिंदगी आपको होगी। एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने का काम किया, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया, जिसकी चर्चा अमेरिका में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, जर्मनी में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया, एक ऐसी सरकार जिसने अपने बजट का 26% मान्यवर शिक्षा के ऊपर खर्च किया, एक ऐसी सरकार जिस सरकार ने 20% अपने बजट का हेल्थ के ऊपर खर्च किया, ऐसी अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आप रोज CBI छोड़ देते हैं, रोज ED छोड़ देते हैं, 25-25 विधायकों को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। आपके इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देश में बढ़ावा देना चाहते हैं। वाह भाई, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो अगर अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं तो आप उसमें अड़ंगा डालते, कहते 8 महीने तक हमको कुछ कर नहीं सकते। अरे फ्री मेट्रो से ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण कम होगा, जो मेट्रो घाटे में चल रही है उसको हम अपने पास से मुनाफे के बजट से पैसा देंगे, आपका लाभ होगा। इसलिए साथियों, इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, जेट एयरवेज, जेट बेरोजगारी की बात अगर हम करें, जेट एयरवेज के हजारों एम्प्लॉई आपकी नीतियों के कारण बेरोजगारी की कगार पे पहुंच गए, और अब तक 4 कर्मचारी उनके आत्महत्या कर चुके हैं। शिक्षा मित्र लाखों की संख्या में है, उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। प्रेरक शिक्षक लाखों की संख्या में है, पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। मान्यवर, सबको 10-10, 12-12 मिनट दिया, आपका भी पूरा हो रहा है 10। साथियों, आपका 10 पूरा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं,
किसानों के जमीन के अधिग्रहण का सवाल आया, यहाँ पे सदन में माननीय मंत्री जी ने बताया हम सबको मुआवजा दे रहे हैं। जौनपुर के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को आज तक मुआवजा, किसानों की जमीन को ले लिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है। आप बड़ी बड़ी सीमा की सुरक्षा के दावे करते हैं, जवानों की सबसे ज्यादा शहादत आपकी सरकार के दौरान हुआ। किसान खेतों में मर रहा है, जवान सीमा पे मर रहा है, और आप यहां पर बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों का ख्याल रखिए। देश को आगे लेकर अगर आप जाना चाहते हैं तो बड़े मन से आगे बढ़िए, बड़े मन से इस देश की व्यवस्था को आगे चलाने का काम कीजिए। आयुष्मान भारत की मानवर चर्चा हुई, वही खत करके खत्म करूंगा। आयुष्मान भारत की चर्चा आपने किया, कहा कि 50 करोड़ लोगों को हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवा में 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य के लिए बीमा योजना कर प्लीज कॉन्क्लूड। अंतिम आयुष्मान भारत की सच्चाई क्या है मान्यवर? उस योजना में आपने इतनी शर्तें लागू कर दी कि अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज आपके घर में है, तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 50,000 रुपए का प्लीज, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आयुष्मान योजना का लाभ मैं दूसरे वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूं। 10,000 की आमदनी मान लो, 10,000 की आमदनी अगर आपकी है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अरे दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार ने 14,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर दी है, आप मजदूरों को भी आयुष्मान योजना में कवर नहीं करते। ऐसी चिट्ठी लिखते हैं, ऐसी दुर्भावना से लिखते हैं। चंद लाइनें हैं, बस वही पढ़ के खत्म करूंगा। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, आदम गोंडवी की लाइनें हैं। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़ है, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्तों मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। इन्हीं पंक्तियों के साथ सबका साथ सबका विकास करिए, और राष्ट्रपति किरोड़ीलाल मीणा जी समर्थन करता हूं। अब आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज।